हेलो स्टूडेंट्स, उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल UVMS सृजन वीडियो क्लास को मो क्षीरचंद कैवर्त तो, समस्त पुणि थरे स्वागत जनाऊँ। आज आम कौन पढ़वा ना आज आम पढ़वा आमर निजर ग्रह पृथ्वी चंद्र तथा तो अन्यान्य महाजगत पिंड जेपरी ग्रहाणुपुंज उल्का धूमकेतु छायापथ और निहारिका आदि संपर्क में आम विस्तृत भाव आम आज आम आलोचना करीबा। तो लास्ट क्लास रे हमें जो लास्ट वीडियो हमें कौन आलोचना करी थे ना लास्ट वीडियो हमें विभिन्न महाजागतिक पिंड जेपर कि सूर्य चंद्र और तारा मानक संपर्क में संक्षिप्त रे हमें आलोचना करी थे। ता सहित नक्षत्र मंडल एवं सौरजगतर विभिन्न ग्रह और से मानक आवर्तन और परिक्रमण समय संपर्क में आलोचना करी थे एवं ग्रह मानक किसी आश्चर्यजनक तथ्य को आम पढ़ी तथापि मत लगला जे आम कि सारांश को आम छाड़ी। आज आम से प्रत्येक ग्रह मानक संपर्क में किसी रही जाइवा जो सूचना व इनफर्मेसन को आम अति संक्षिप्त में पढ़वा एवं तापर आम नेक्स्ट चैप्टर को आम आरंभ करवा। तो सर्वप्रथम आसवा आमे सौरजगतर प्रथम ग्रह बुध संपर्क सौरजगतर प्रथम ग्रह आमे जदि चित्र को देखिबा तेबे दूरता क्रम रे सौरजगतर प्रथम ग्रह बा सूर्यंकर अति निकटतम ग्रह होची बुध आउ एहा सबुठारु क्षुद्रतम ग्रह मध्य अटे सौरजगतर। तो बृहत्तम ग्रह किए हेत मन मन तुम कल्पना कल तो बुध हूँ सूर्यंकर निकटतम ग्रह एवं सबुठारु छोट ग्रह मध्य आमे जदि आयतन दृष्टि देखिबा ताहेले आउ यार आवर्तन समय केते ना यार आवर्तन हूँ 69 दिन एवं परिक्रमण समय हूँ 88 दिन। बर्तमान देखिबा सौरजगतर द्वितीय ग्रह शुक्र संपर्क है तो दूरता क्रम द्वितीय स्थान अवस्थित कौ स्थान अवस्थित दूरता क्रम यहाँ है तर बुध तापर यहाँ है शुक्र तो यह सूर्य ठार् द्वितीय स्थान अवस्थित अच्छी शुक्र आउ यह सौरजगतर सब उज्जवल और उत्तप्त ग्रह अटे। तो मैंने भावुथ जे जेहेतु बुध सूर्यंकर निकटरे अच्छी तेणु सौरजगतर सब उत्तप्त ग्रह बुध हो ना बुध एक उत्तप्त ग्रह नुहे कारण बुधरे कौन वायुमंडल ना तेणुक सूर्यंकर उत्ताप आसे एवं चली जाए तेणु दिन बेला बुधर तापमात्रा प्राय 437 डिग्री सेल्सियस हो जाए एवं राति रे तापमात्रा बहुत तल को खसी आसे। तो केते डिग्री हो जाए ना रात्रि समय रे एठारे तापमात्रा प्रायतः -173 डिग्री को खसी आसे। अपर पक्षरे शुक्र ग्रह रे कौन अच्छी ना शुक्र ग्रह रे 95% अंगारकाम्ल थिवारु एहा सबुठारु उत्तप्त ग्रह अटे। तुमने जाच भल भाव जाच तुम्हें जे अंगारकाम्ल जो तापमात्रा वृद्धि होता है मनाकर आम जब कार भीतर थिबा एवं कार सब काच जब बंद थी आउ जिते बेले सूर्यंकर किरण जिते उत्ताप कार भीतर को आसीबो तो कौन हम ना जदि कार सब काच बंद थी तेल आमको कार भीतर बहुत गरम लगे कारण भीतर तापमात्रा को काच बाहर को जीवाक दिए ना ठीक से हीपरि शुक्र ग्रह 95% अंगारकाम्ल थिवारु एहा तापमात्रा को धरिकी रखी थाए तेणु यह एक उत्तप्त ग्रह। ता छड़ा यहाँ आम संध्या तारा बोली मध्य आमे कही था तुम्हें जदि संध्या समय देख सूर्यास्त पर एक उज्ज्वल तारका संध्या समय
ଏବଂ ଆମେ ସକାଳୁଆ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏହା ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି କେତେ 243 ଦିନ ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 255 ଦିନ। ତ ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଧୀରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ନିଜର ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀକୁ, ହେଲା। ତ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତୁମକୁ କହିବି, କାହିଁକି ନା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମର ନିଜର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ହେଲା। ଆଉ ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଆୟତନରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଜଳ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ ବା ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜଗତ ରହିଛି, ଆଉ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଦିନ ଏବଂ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 365 ଦିନ। ତ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ। ଦୂରତା କ୍ରମରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା କ୍ରମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାକୁ ଲୋହିତ ଗ୍ରହ ବା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ବା ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ନିକ୍ସ ଅଲମ୍ପିଆ। ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଆମର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚତାର 3 ଗୁଣ, ମାନେ ଏତେ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ସେଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୋବସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିମସ୍। ଏହା ଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ବୃହସ୍ପତିକୁ। ତ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ଏଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ କେଉଁଟା? ନା ବୃହସ୍ପତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତୋଟି ଅଛି? 79ଟି, 79ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହାର ଅଛି? ନା ଶନିର ଅଛି, ତୁମର 62ଟି। ଆଉ ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ନେଇଥାଏ ବୃହସ୍ପତି। ଆବର୍ତ୍ତନ କେତେ ସମୟ ନିଏ? ନା ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହା ଆବର୍ତ୍ତନ, ଥରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିନି ଏହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଶନି ଗ୍ରହ। ତ ଆମେ ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଲୟ ବା ଆମେ ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା, ଯାହାକି ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଶନି ଗ୍ରହରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବଲୟ ବା ରିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଶନିକୁ ବଲୟ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତେବେ ଆସିବ ଏବେ ୟୁରେନ୍ସ, ହେଲା। ତ ୟୁରେନ୍ସକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ୟୁରେନ୍ସକୁ ସବୁଜ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରହରେ ମିଥେନ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବା ମିଥେନ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଦିଶେ। ତ ୟୁରେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସୌରଜଗତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ
आवर्तन करिथांती। किंतु यूरेन्स एवं शुक्र यह दुईट ग्रह पूर्वर पश्चिम को आवर्तन करिथांती, ठीक ओल्टा। तेणुक यह दुईट ग्रह रे सूर्य पश्चिम दिगरे उदय होइकि पूर्व दिगरे अस्त होइथांती, बिल्कुल ओल्टा होइथार। तापर तुम शेष आसला नेपच्यून, यह दूरता क्रम रे सबुठारु शेष रे अवस्थित ग्रह। एठारु सूर्य एक उज्ज्वल बिंदु पर ही देखा जाए और यह जेहेतु सूर्य बहुत दूर रे अछि, तेणुकर सूर्यंकर आलोक उत्ताप बेसी पाई पारे नाही, तेणुकर यह सबुठारु शीतलतम ग्रह मध्य अटे। ए तथेला पिले माने ग्रह मानक संपर्क रे केतोटी विशेष धारणा। तो ठीक अछि, आमे नेक्स्ट स्लाइड को आमे जीवा एवं आमे देखिबा आमर निजर ग्रह पृथ्वी संपर्क रे। एटा हला आमर निजर ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी आम पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ग्रह मध्य। एहा एथि पाई गुरुत्वपूर्ण हो जाए कारण आमे एही ग्रह रे बास करूछु। केबे त सुनिछ कि जे तुमर कौ सांग मंगल ग्रह रे बसवास करूछे बोली? जदि रहूछि तबे निश्चय से एलियनी खेथबो, किंतु मंगल को तो एपर्यंत के जाई पारि नाहंती, ना बुध को जाइछंती ना शुक्र को जाइछंती। तो जीवजगत कौटे अच्छी ना पृथ्वी रे अच्छी, जोठी कि आमे माने रहुछु। जेहेतु आमे माने पृथ्वी मध्य बसवास करुछु, तेणु ताहा आम पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह जोठारे जीवजगत रहिछि। दूरता क्रम रे यहा तृतीय स्थान रे अवस्थित। आमे जदि सूर्यक ठार आमे जदि दूरता क्रम को जदि आमे देखिबा ताहेले एटा हेगला आमर सूर्य, एटा हेगला आमर सूर्य एवं या पर एटा हला बुध, एटा हला शुक्र एवं तृतीय स्थान रे एटा हला आमर पृथ्वी। तो यही परि भाव रे यहा तृतीय स्थान रे अवस्थित। एहा आयतन रे पंचम बृहत्तम ग्रह। आयतन को आम जदि देखिबा ताले यहा केते नंबर ग्रह ना पंचम बृहत्तम ग्रह। आमे जदि बड़ बड़ ग्रह मानक संपर्क आमे जदि कथा हबा तेबे प्रथमे कोट आसिबो ना प्रथमे आसिबो बृहस्पति। तुम ये देखि पार्थिव सबुठ बड़ ग्रह एटा तुम बृहस्पति, तापर दुई नंबर आसिब शनि, तापर यूरेन्स नेपच्यून, एटा हला प्रथम चारिटा बड़ ग्रह एवं तापर पंचम आसिब आमर पृथ्वी। तो आयतन रे तुमर पृथ्वी केते नंबर स्थान रही ना सौरजगतर पंचम बृहत्तम ग्रह हला पृथ्वी, मन रहे ना नहीं। तो आम जो सूर्य आम जो दूरता को देखा तो हमें पृथ्वी तृतीय स्थान अवस्थित एवं आयतन रे यह पंचम बृहत्तम ग्रह। यार आकार अभिगत गोलक पर किपर ना यार आकार अभिगत गोलक पर आम जो ग्लोब को जब देखा ताले पृथ्वी टाइम कौन पूरा पूरी गोल देखा जाए, किंतु प्रकृत पक्षे पृथ्वी गोलाकार नुहे, यहाँ दुई मेरु सामान्य चेपटा बिल्कुल कमला लेंबू पर तुमने देखी थो कमला लेंबू किपर देखा जाए तार दुई मेरु कौन था तुम जो ऊपर अंश तले अंश कौन था सामान्य चेपटा थाए, ठीक से हीपरी पृथ्वी दुई मेरु सामान्य चेपटा। आम जदि महाकाश को जाए पृथ्वी को लक्ष्य करवा तेबे यार दुईट मेरु सामान्य चेपटा और मध्यभाग सामान्य स्फीत, तेणु यार विश्व व्यास एवं मेरु व्यास समान नुहे। तुम यहाँ गला तुम विश्व व्यास एवं यहाँ गला तुम मेरु व्यास,
तो विषुव व्यास एवं मेरु व्यास तुमर दैर्घ्य समान नुहे। तो तादर के पार्थक्य रही तेयालीस किलोमीटर पार्थक्य रही तुम तेयालीस किलोमीटर पार्थक्य रही। तेणुक पृथ्वीर आकार गोलाकार नुहे। यह आकार गोटे कमला लेंबू परी बा अभिगत गोलक परी बुझेगला ना। पृथ्वी रे जीवजगत अच्छी यह सब गुरुत्वपूर्ण जिनिष। तो पृथ्वी रे काहीकि जीवजगत अच्छी काहीकि ना पृथ्वी रे बेसी गरम किंबा बेसी ठंडा हुए नाही। एठारे जीवजगत बंचिबार समस्त उपादान रही। आम जदि शुक्र कथा को विचार करवा तेबे यह बहुत गरम अटे। केते प्राय यार तापमात्रा 455 डिग्री सेल्सियस थाए। सेठारे मनुष्य बंचिबा संभवपर अटे कि संभव नुहे। किंतु पृथ्वी बेसी गरम किंबा बेसी ठंडा न थिबारु एठारे जीवजगत तिष्ठी रही। पृथ्वी रे जल वायु रही। एठारे पीवा पाई पानी अच्छी एवं जीवजगत श्वासक्रिया करिया पाई वायु मध्य रही। जेहेतु पृथ्वी रे गछलता एवं जीवजंतु अच्छा तो माने श्वासक्रिया पाई क्यों गैस ग्रहण करती ना अम्लजान एवं अंगारकाम्ल। तो पृथ्वी रे अम्लजान एवं अंगारकाम्ल थिवारु एठारे जीवनर संभव हो पारिछि। तेणु विभिन्न प्रकार गछलता और जीवजंतु आश्रयस्थली होइथिबारु पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह बोली कुहा जाए। पृथ्वी को जलीय ग्रह मध्य कुहा जाए। काहेकि जलीय ग्रह कुहा जाए काहेकि ना पृथ्वी रे चारि भागरु तीन भाग जलभाग थिबारु पृथ्वी को जलीय ग्रह कुहा जाए। पृथ्वी रे बहुत जल अछि तेणु कर पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाए। आम जदि ताको शतकड़ा जब प्रकाश करवा तेबे प्राय 100 भागर 71 भाग है जल भाग आ बाकी 29 भाग स्थल भाग। तेणु पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाए। मन रही ना नहीं नेक्स्ट आस पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाए। कौन कहा जाए ना पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाए। कहीं कहा जाए कहीं ना आम जब महाकाश रु जब आम पृथ्वी को देखा तेज पृथ्वी नील रंगर देखा जाए। एठार तुम देखिपार पृथ्वीर तार कलरटा किपर दिशुची आम जब भल भाव देखा तेल नील रंग देखा जा तार कारण है पृथ्वी रे जेहेतु बेसी जलभाग अच्छी से पृथ्वी नील रंग देखा जाए। तो सौरजगत आम सूर्य संपर्क आम पढ़ले आम ग्रह पृथ्वी संपर्क पढ़ले बर्तमान आम पढ़ा पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह चंद्र संपर्क ठीक अच्छे। तो मुझे तुम मान मनरे उपग्रह कौन से संपर्क में अनेक गुड़ाए प्रश्न निश्चित भाव आसुव। तो उपग्रह कौन एवं यह किपरि कार्य करें से संपर्क बर्तमान आम पढ़ा तेल डेरी करवानी चैप्टर टी आम कंटिन्यू करवा। पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह हो चंद्र। सर्वप्रथम जिनस उपग्रह क्या कहा जाए। उपग्रह कहले जो महाजागतिक पिंड ग्रहर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करिथाए। एठार तुम लक्ष्य कर पार जे चंद्र कौन करुछि ना पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करुछि। तो एठार तुम चित्र भल भाव तुम देखि पार किपरि चंद्र पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करुछि। आ पृथ्वी कह जाए पाखर परिक्रमण करुछि ना पृथ्वी सूर्यंकर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करुछि। तो उपग्रह कहले कौन ना जो महाजागतिक पिंड ग्रहर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करिथाए ताहाकु उपग्रह बोली कहा जाए। बुझेगा ना नहीं
तो बर्तमान आम नेक्स्ट पॉइंट को देखा आयतन यह पृथ्वीर चारि भागर एक भाग के आयतन यह पृथ्वीर ये 49 भाग हो जाए तुम के तुम चारि भागर एक भाग हो चंद्र आम जदि यह सूर्य सहित तुलना करवा तेब सूर्य चंद्र ठार बहुत बड़ थिवा सत्वे यह आमको छोट दिशी एवं चंद्र पृथ्वी ठार बहुत छोट हेले यह आमको बहुत बड़ दिशी जेहेतु यह आमर निकटरे अच्छी केते निकटर अच्छी ना पृथ्वी ठार चंद्रर दूरता होची 384,000 किलोमीटर कत किलोमीटर ना 384,000 किलोमीटर दूरत चंद्र अवस्थित बुझेगा ना नहीं तो चंद्र पृथ्वीर चारिपटे परिक्रमा करने केते दिन समय निए ना चंद्र पृथ्वीर चारिपटे थरे घूरियापाई बा थरे परिक्रमण करने 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए गोटे कथा मन रख चंद्रर परिक्रमण एवं आवर्तन समय प्राय समान अर्थात चंद्र निजे निजे घूरी थाए एवं पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर मध्य घूरी थाए तो जेहेतु यार आवर्तन एवं परिक्रमण समय समान तेणुक आम चंद्रर गोटे पार्श्व को आम सब देखी था ठीक अच्छे तो यठार प्रश्न हो चंद्र आमर एत निकटने अच्छी पृथ्वी सहित मध्य तार आवर्तन समय समान जेहेतु यह पृथ्वीर निकटने अच्छी आ तेणुक सूर्य किरण भी भल भाव एथर पड़ू तो आम कहीं चंद्र आम बसवास करूँ ना कि भाविछ तुम्हें तो आम कहीं आम चंद्र आम रही पारना कहीं चंद्र जीवजगत बचार कौन सी उपादान ना चंद्र जीवजगत बचापी कौन सी उपादान ना आमर पृथ्वी रे जपरी जीवजगत बचापी समस्त उपादान रही चंद्र ना यठार जल एवं वायु मध्य ना तुम्हें जदि बिना जल एवं वायु जी से रही पार तेब जा रुह कौन असुविधा ना तो ये आम चंद्र आम रही पार ना आउ गोटे प्रश्न जे चंद्र रे कहीं कला दाग देखा जाए तुम्हें जदि पृथ्वी को पृथ्वी जदि आम चंद्र को देखा तेब तुम्हें ये लक्ष्य कर कला रंगर विभिन्न दाग मान अच्छी ना नहीं तो यही कला दाग कहीं देखा जाए तो यार कारण कौन यार कारण हूँ चंद्रपृष्ठ अनेक शिला सुप्त आग्नेयगिरी गह्वर पर्वत और धूसर रंगर बालुका राशि गठित तो कौन कौन अच्छे से ना चंद्र रे अनेक पर्वत आग्नेयगिरी गह्वर गह्वर बोले जाने ना नहीं तुम बड़ बड़ खाल है शिला और धूसर रंगर बालुका राशि अच्छी जो चंद्र रे कला दाग देखा जाए तो यही तो गला चंद्र संपर्क बर्तमान देखा आम यही तो गला चंद्र संपर्क बर्तमान देखा आम चंद्र तो हीगला एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्र को कौन किए तैयारी कर ना चंद्र आपे आपे तैयारी तेणु चंद्र हूँ एक प्राकृतिक उपग्रह जपरिक पृथ्वी और अन्न्य ग्रह मैंने सेपरी चंद्र मध्यारी किंतु किछु उपग्रह अच्छी जहाँकि मनुष्य मान द्वारा तैयारी होई थाए तो किछु उपग्रह अच्छी जहाँकि मनुष्य मान द्वारा तैयार होई थाए यहाँ कृत्रिम उपग्रह बोली कहा जाए कौन कहा जाए ना
कृत्रिम उपग्रह बोली कहा जाए। तो कृत्रिम उपग्रह कौन अटे आ कौन सब कार्य करें से संपर्क बर्तमान आम देखा। तो कृत्रिम उपग्रह मन पका उपग्रह कथा मन पक उपग्रह क्या कहा जाए उपग्रह कहिले जो महाजागतिक पिंड ग्रहर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करिथाए ताहाकु उपग्रह कहा जाए। जिपरिकी चंद्र चंद्र कहार चतुर्पार्श्व परिक्रमण करिथाए ना पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करिथाए तेणु चंद्र होगला पृथ्वीर उपग्रह यह एक प्राकृतिक उपग्रह मध्य अटे। किंतु आम कौन पढ़ार अच्छे ना आमको पढ़वार अच्छी कृत्रिम उपग्रह संपर्क भल भाव आम बुझा महाकाश रे एमती अनेक गुड़ा जिनस अच्छी जहाँ प्राकृतिक नुहे महाकाश रे एमती अनेक गुड़ा जिनस अच्छी जहाँ पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर परिक्रमण करुंतु से गुड़िक प्राकृतिक नुहति। तो बर्तमान तुम चित्र देखिपार प्रजापति भली दिशुवा जिनसटे पृथ्वीर चतुर्पार्श्वर घूरुची तो यहीटा है कृत्रिम उपग्रह। तुम्हें केवे मिशन मंगल मुवि देखीछ कि आम कौन करे ना सेठार मत गोटे कृत्रिम उपग्रह छाड़ देचे ता मंगलर चतुर्पार्श्वर घूरुची। तो कृत्रिम उपग्रह कहले कौन ना जहाँ मनीष मैंने तैयारी करुँचा जहाँ को लेकिन से मैंने महाकाश रे छाड़ी देते आउ जहाँ तुम्हारो ग्रह एवं अन्यान्य महाजागतिक पिंड मानक चतुर्पार्श्वर घूरुंट। तो यहाँ होगा तुम कृत्रिम उपग्रह। वर्तमान तुम मान मनरे गोटे प्रश्न आसुव तो वैज्ञानिक मैंने यहाँ कहीं महाकाश को छाड़ी था आउ यह आपे आपे केमी घूर आरंभ करें तो यार पचर थिबा कारण मु तुमको कहूँ कृत्रिम उपग्रह यही ग्रह मान चतुपार्श्व घूर आरंभ करें तार कारण हूँ माध्याकर्षण शक्ति। महाकाश को गला परे एमती एक स्तर आसी जाए देख ए सब जिन ज्योतिर्विज्ञानी मानक पढ़ा लिखार विषय आमको से भितर को आम को जाकि मुंड फेरबार ना। तो साधारण भाव में आम जब यह बुझा तेब पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति अच्छी माध्याकर्षण शक्ति बल चंद्र पृथ्वी को परिक्रमण करुच्ची कहूँ चंद्र तुम्हें चारिपाखे घूर। तो वैज्ञानिक मैंने कौन करती ना माध्याकर्षण शक्ति एक निर्दिष्ट कक्षर एक रास्त कृत्रिम उपग्रह को से माने स्थापन कर दिखती इटार तुम्हें चित्र देखिपार जहाँ फल कौन हुए ना कृत्रिम उपग्रह ग्रह मान चतुर्पार्श्वर गोल गोल बुलवा आरंभ कर कहीं पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति यह अगर कौटि जावाक देवना कि निजर पाखक आसवाक देवना तेणुक कृत्रिम उपग्रह निजर निर्दिष्ट कक्षपथर घूरी थाए। तो वैज्ञानिक मैंने अनेक गुड़े कृत्रिम उपग्रह तैयारी करके महाकाश को छाड़ी कौन पाई ना जोगाजोग एवं पाणीपाक संबंधी तथ्य संग्रह एवं विश्व ब्रह्मांड संपर्क अधिक गवेषणा पाई बा अधिक अध्ययन पाई से महाकाश को कृत्रिम उपग्रह गुड़ाक छाड़ी। तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा आमर कौन लाभ होना आम घरे बस पाणीपाग संबंधी सूचना आम आगुआ पाई आग को जदि मन कर लघुचाप जनित वर्षा होबार अच्छी किंबा बात्यार आशंका अच्छी तेबे आम आगुआ तार सूचना पाई आम आगु सतर्क रही पार ठीक से हीपरी महाकाश रे थिबा अन्यान्य महाजागतिक पिंड पिंड मानक संपर्क जेपरिक तुम निहारिका मान संपर्क छायापथ मान संपर्क अधिक तथ्य संग्रह यह आमको साहय कर। तो जो कृत्रिम उपग्रह अच्छी
ताहकु किपरी महाकाश रे स्थापन करा जाए। महाकाश रे रॉकेट सहायता रे किपरी कृत्रिम उपग्रह को स्थापन करा जाए ता वर्तमान आम देखिबा। देखो मानकर एटा हला हमर भारत हला एटा हला हमर भारत एठार आमको कृत्रिम उपग्रह छाड़बार अच्छी तो रॉकेट ऊपर जाए कौन कर ना विभिन्न पर्याय तुम कृत्रिम उपग्रह ठारु ताहा अलगा है कि तार निर्दिष्ट कक्षपथर से ताहा ताकु स्थापन करदेव हला जिपर कि से रॉकेटा जदि मनकर थरे जदि तार निर्दिष्ट कक्षपथ रे स्थापन करदेला मनकर जिपर कि एटा तुम्हारा पृथ्वी आउ मनकर एटा हला तार से निर्दिष्ट कक्षपथ तो जमी रॉकेट ताको निर्दिष्ट कक्षपथ रे स्थापन करदेव ताहा आपे आपे पृथ्वीर चतुर्पार्श्व रे परिक्रमण करिबा आरंभ करदेव तो ठीक अच्छे यहीपरी तुम हो तो रॉकेट आपे आपे कृत्रिम उपग्रह ठारु अलग है शेष पृथ्वी पर पड़ी थाए एवं तुम केवल कृत्रिम उपग्रह को तार निर्दिष्ट कक्षपथ रे ताहा छाड़ी दी थाए तो पुणि थरे आगे मन पकेबा विश्वब्रह्मांड संपर्क अधिक तथ्य संग्रह पाई एवं जोगाजोग ओ पाणीपाक संबंधी तथ्य संग्रह पाई कृत्रिम उपग्रह वैज्ञानिक मानक द्वारा तैयारी करा जाय थाए जेपरी मन कर इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच होउछि आउ आमे ताकु आराम रे घरे बसिकी मैच देखि पारुछु किपरी ना एसबु जिनिस उपग्रह द्वारा प्रसारण करा जाय थाए तुम्हारो इंटरनेट मोबाइल सेवा आदि सब जिते भी जिनिस अच्छी ए सब कृत्रिम उपग्रह द्वारा करा जाय थाए ए सब दृष्टि कृत्रिम उपग्रह आम पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण हो जाए। पार्थक्य यह जे चंद्र प्राकृतिक भाव में तैयारी एवं कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा तैयारी करा जाय थाए चंद्र मध्य पृथ्वी चारिपटे घूरी थाए आउ कृत्रिम उपग्रह मध्य पृथ्वी चारिपटे घूरी थाए किछि भारतीय कृत्रिम उपग्रह नाम होची तुम्हार इनसाट आईआरएस एडुसाट मंगलजन ये सब हला किछि भारतर कृत्रिम उपग्रह 2008 अक्टोबर 22 तारीख रे भारत चंद्रयान माध्यम रे निजर चंद्र अभियान एवं 2013 नवंबर 5 रे मंगलजान माध्यम रे भारत तार मंगल अभियान आरंभ करिछि तो यह थिला कृत्रिम उपग्रह संपर्क वर्तमान आम नेक्स्ट स्लाइड को आम आसीबा तो वर्तमान आम देखिबा ग्रहाणुपुंज एवं उल्का कोण अटे। देख ग्रह उपग्रह और नक्षत्र मानक छाड़ीदे महाकाश रे आहुरी भी अनेक छोट बड़ पिंड मध्य सूर्यंकर चतुर्पार्श्व रे परिक्रमण करुछंती जेपरिकी सूर्य तो सूर्य चतुर्पार्श्व रे को माने परिक्रमण करुछंती ना ग्रह माने ग्रह मानक चतुर्पार्श्व रे को माने परिक्रमण करुछंती ना उपग्रह माने एहाकु छाड़ी देले मध्य आहुरी अनेक छोट बड़ पिंड बा वस्तु अछंती जो माने कि सूर्यंकर चतुर्पार्श्व रे परिक्रमण करिथंती इमानंकु ग्रहाणुपुंज बा उल्का बोली कहा जाए विशेष करी मंगल एवं बृहस्पति मध्य रे रही असंख्य ग्रहाणुपुंज कौन करुछंती ना सूर्य को परिक्रमण करुछंती तमे एठारे भल भाव लक्ष्य करी पारुथिबो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल एवं एटा हला मंगल एटा हला बृहस्पति तो यही मंगल एवं बृहस्पति मध्य रही असंख्य छोट बड़ ग्रहाणुपुंज कौन करुछंती ना से सूर्य को परिक्रमण करुछंती
तो जेपरिक तुम्हार एटा है तुम सूर्य अच्छी आ सूर्य चतुर्थ पर्श को मैंने घूर ना ग्रह मैंने घूर तो एम सहित ग्रहाणुपुंज मान सूर्य चतुर्पार्श्वे कौन करुंटी ना से तुम सूर्य चतुर्पार्श्वे रहीकि परिक्रमण करुंटी कौ मान ना ग्रहाणुपुंज मान यठार तुम देखिपार छोट बड़ पथर खंड अच्छी अच्छे ना नहीं तो यहाँ है तुम ग्रहाणुपुंज ग्रहाणुपुंज और उल्का संपर्क आम जदि ए बाक्स को जदि आम देखा तेल आम आहरी आम भल भाव आम बुझी पार जे उल्का कौन एवं ग्रहाणुपुंज कौन आमरे कौन पार्थक्य रही तो बर्तमान आम देखा ग्रहाणुपुंज कौन अटे बड़ बड़ पथर खंड जहाँ सूर्य चतुर्पार्श्वे परिक्रमण करुथांति सिमानुंकु कौन कह जाए ना ग्रहाणुपुंज बोली कह जाए बड़ बड़ पथर खंड माने केते बड़ तुम सेमानकर व्यास हुए तो 2 किलोमीटर हो पारे किंबा 200 किलोमीटर मध्य लंबर हो पारे तो ये कौन करती ना ये सूर्यंकर चतुर्पार्श्वरे माने कौन करिथांती ना परिक्रमण करते यार तुम लक्ष्य कर निर्दिष्ट तुम कक्षपथर एठार तुम देखिपार ग्रहाणुपुंज मान किपर तुम असंख्य ग्रहाणु मान रहीकिने परिक्रमण करुं तो युड़िक मंगल और बृहस्पति मध्य रहीकि परिक्रमण करते तो कौटी मैंने अच्छा ना मंगल ग्रह एवं बृहस्पति यही ग्रहर मझीरे रहीकि परिक्रमण आओ वैज्ञानिक मैंने विश्वास करती जे एगुड़िक कौन सी ग्रहर एक विभाजित अंश बोली से मैंने विश्वास करती तो वैज्ञानिक मैंने कौन विश्वास करती ना वैज्ञानिक मैंने विश्वास करती जे आज को हजार हजार वर्ष पूर्वे किंबा नियुत नियुत वर्ष पूर्वे तोर जो ग्रह अच्छी कौन सी कारण विस्फोरण है एवं से विस्फोरण पर जो अवशेष रहीगला जो शिला पथर रहीगला कौन कला ना ता सूर्य महाकर्षण शक्ति जो सूर्य चतुर्पार्श्वे परिक्रमण करिवारे लगला महाकर्षण शक्ति मैंने जाने ना नहीं महाकर्षण शक्ति जो सूर्य अच्छी जो सूर्य महाकर्षण शक्ति बल अन्य ग्रह मैंने सूर्य चतुर्पार्श्वे परिक्रमण करुं ठीक से हीपरी ग्रहाणुपुंज मैंने सूर्य को परिक्रमण करुं तो यहाँ है तुम ग्रहाणुपुंज है बर्तमान आम देखा उल्का कौन अटे उल्का कहले देख छोट छोट पथर खंड जहाँ सूर्य चतुर्पार्श्वे परिक्रमण करते हुए तो फुटबल पर छोट हो पारे किंबा ताठू बड़ पारे आमे ताको एथिपाय छोट कौ यह ग्रहाणुपुंज ठारु बहुत छोट अटे बेले बेले माने पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति द्वारा आकर्षित होकर पृथ्वीर वायुमंडल को चली आसती वायु सहित घर्षण होकर उत्तप्त हमें और जली उठती तो घर्षण कहले कौन ना षष्ठ श्रेणी तुम घर्षण विषय पढ़ी कि बोध पढ़ीन तो घर्षण कहले देख मु बुझाऊँ देख गोटे गाड़ी अच्छी आम ताको रास्त रखीदे तो गाड़ी कौन आग को गड़ी चलो कि हाँ जदि रास्ताटा जब तुम गड़ाणिया अच्छी तेज हे तो निश्चित भाव गाड़ी गड़ब कितु रास्ता जब सामान अच्छी तेज कौन हम ना तो हे तो गड़ब एवं किसी समय पर रही आम जदि ताको ब्रेक न मारे तो किपरी ता हुए ना आम जिते विपरीत आम जा तो कौन हुए ना घर्षण होता है ये एक विपरीत शक्ति कार्य करमती मुझे आग को बढ़ी तेज मत सामनारू पवन धक्का दब पछाड़ तो यहाँ है तुम घर्षण तो उल्का सहित यहपरी होता है जमी से महाकाश रु पृथ्वी आड़ को आसती तो पृथ्वीर कौन अच्छी ना पृथ्वी वायुमंडल रही तो पृथ्वीर वायुमंडल सहित घसी होकि मान उत्तप्त हमें
एवं एमाने जली उठती। तो यही आलोकपिंड को उल्का बोली कहा जाए। जो उल्कापिंड गुड़िक बहुत छोट छोट था सेमाने आकाशर संपूर्ण भाव में जली जाती। मात्र बड़ बड़ उल्कापिंड गुड़िक संपूर्ण भाव में जली न पारिकी ता कौन हूँ ना पृथ्वी उपर पड़ी था। आउ जो से पड़ी था सेठी बहुत बड़ गर्त बा खाल सृष्टि होता है। बेले बेले बहुत बड़ बड़ ग्रहाणुपुंज पृथ्वी उपर पड़ी पृथ्वीर अशेष क्षति साधन करते हैं। डायनासोर मान विषय तुम शुणी थो तो डायनासोर मान विनाश पक्षर बहुत बड़ हाथ ग्रहाणुपुंजर रही बोली विश्वास करा जाए। तो एगुड़ी आम विभिन्न संग्रहालय मानक आम देखिपर। तो जिते बेले उल्कापिंड तीव्र गति रे आकाश को पृथ्वी आकाशर पृथ्वी पृष्ठ खसी थाए से बेले तुम यार देखिपार किपर आकाशर तीव्र गति तुम कौन करना पृथ्वीपृष्ठ खसुची आ वायुमंडल सहित घसी तानी उत्तप्त हो तुम जली उठू ना तो आम से तारा खसला बोली आम कौन कही था ना तारा खसला बोली आम कही था। वर्तमान आम देखा धूमकेतु संपर्क बर्तमान आम देखा है। तो देख सौरजगत एक भिन्न धरणर ज्योतिष अच्छा भिन्न धरण इनको सम्मुख भाग छापसा कुहुड़ी बोली आवरण द्वारा आवृत एवं पश्चात भाग बहुत दूर को लांज पर लंबे जाए। तेणुक यह कौन कह जाए ना लंजा तारा बोली आम कही था। तो कहीं हुए ताकि देख एगुड़िक बरफ एवं विभिन्न गैस और क्षुद्र क्षुद्र जड़ कणिकार गठित होता है। तो धूमकेतु कौथे गठित होता है ना यह बरफ विभिन्न गैस एवं क्षुद्र क्षुद्र जड़ कणिकार गठित होता है। जिते बेले एमाने सूर्य निकटतर हूँ सेते सूर्य उत्ताप जो से बरफटा तरलवा को लगे एवं यार सम्मुख भाग में थोड़ा पदार्थ बाष्पीभूत हो कि अग्नि सृष्टि होता है। आ अग्रभागर निर्गत अग्नि दीर्घ उज्जवल लांज तुम सृष्टि होता है। जिते बारे पृथ्वीर निकट को चली आसते आम खाली आखिरे देखिप। धूमकेतु संपर्क में आउ गोटे जिनस है यहाँ जिते बार सूर्य निकटतर हुए से लांज सूर्य ठार दूर रही थाए। यार कारण हूँ तुम ये चित्र लक्ष्य कर पार एटा तुम सूर्य एवं जो धूमकेतु अच्छी तार जो लांजटा सब मान सूर्य विपरीत तार विपरीत यार लांज अच्छी। यार कारण हूँ सौर पवन। सौर पवन में शक्ति जो धूमकेतुर लांज सब सूर्य दूर से थाए यह तुम्हें चित्र देखिपार। तो किपर तार लांजटा सूर्य दूर अच्छे ये तुम चित्र देखिपार। तो गोटे धूमकेतुर नाम है हेली। यह प्रति 76 वर्ष रे थरे आमको देखा मिली था। शेष थर पर 1986 मसीह आमको देखा मिली था एवं आग को आम यहाँ केत मसीह देखा पाइबा ना 2061 मसीह आम यहाँ देखा पाइबा। तो यार नाम हेली कहीं यह ब्रिटिश ज्योतिर्विज्ञानी एडवन हेली नाम नामित हो। तो यहाँ है तुम धूमकेतु है। तो बर्तमान आम देखा छायापथ संपर्क। शीत दिने आकाशे उत्तर एवं दक्षिण भाव में धला दिशुवा विस्तृत आलोकपथ देखा जाए। यह अनेक गुड़े नक्षत्र धूलिकणा
एवं क्यास आदि को लेकिन गठित तो यह कौन कह जाए ना छायापथ कह जाए। तो छायापथ कहले अनेक गुड़े तारा जपर गोटे तारा है तुम सूर्य है गोटे तारा है तुम ये देखी पार थो अनेक गुड़े तुम तारा तो असंख्य तारा को लेकिन तुम बाक गुड़े तारा को लेकिन तुम कौन गठित होता है ना छायापथ गठित होता है। यह सहित तुम अन्न्य महाजगत पिंड जपर ग्रह उपग्रह उल्का धूमकेतु आदि समस्त जिनस भी छायापथर आसी जाए। आम जो छायापथर रोच आम छायापथर नाम हो आकाश गंगा यहाँ है आकाश एवं यहाँ है गंगा। तो ते भावुथ जे आकाश आउ गंगा मध्य कौन संपर्क रही बर्तमान आम देखा। देख आग काल भारतीय मैंने छायापथ को देख कौन से कल्पना करूँ ना से देख कल्पना करूँ सते जमीक आकाश मध्य गंगा नदी बहुची से कल्पना करूँ से यही छायापथर नाम आमर छायापथर नाम आकाश गंगा बोली कहा जाए। यहाँ को इंग्राजी कहा जाए मेकी वे गैलेक्सी। ठीक अच्छे तो अनेक छायापथ निहारिका तारका बा नक्षत्र ग्रह ग्रहाणुपुंज उपग्रह उल्का धूमकेतु आदि को लेकिन आमर विश्व ब्रह्मांड गठित। तो आमर विश्व ब्रह्मांड क्या गठित अनेक छायापथ निहारिका ग्रह नक्षत्र उपग्रह ग्रहाणुपुंज धूमकेतु उल्का आदि को लेकिन आमर विश्व ब्रह्मांड गठित। यहाँ पुणि थे मु भल भाव बुझे दूला। देख तुम्हें पृथ्वी मध्य अच ना नहीं तो तुम कौट ना तुम पृथ्वी मध्य अच आमर पृथ्वी क्या भितर अच्छी ना आमर पृथ्वी सौरजगत भितर अच्छी क्या भितर अच्छी ना आमर पृथ्वी तुम सौरजगत भितर अच्छी। बर्तमान आमर सौरजगत क्या मध्य आसो ना सौरजगत आमर आकाश गंगा छायापथ मध्य आसो आसो ना नहीं तो यही जो आकाश गंगा छायापथ रही आसी था क्या मध्य ना विश्व ब्रह्मांड मध्य आसी था कौन कर ना ये आकाश गंगा छायापथ अच्छी तुम यह विश्व ब्रह्मांड मध्य आसी था। तो छायापथ संपर्क में मुझे जहाँ भी बुझेली मुझे आशा कर तो निश्चित भाव बुझिपार। तो यह तुम्हें भल भाव तुम्हें लक्ष्य कर इठारे तुम्हें देखिपार जे सूर्य परी अनेक गुड़े तारा इठार जो तुम तुम देखिपार विभिन्न तारा आने मिंजि मिंजि कर तो सूर्य पर अनेक गुड़ाए तारा निजर निर्दिष्ट कक्षपथर छायापथ को से परिक्रमण करमर सौरजगत पी छायापथर मध्य हुए तो अनेक कौटी सूर्य थोड़े हुए तो ग्रह मैंने थे आमर पृथ्वी पी एक ग्रह थी पृथ्वी पी परेशपे जीवजगत थे तुम्हें एलियन मान विषय शुणी थ तो एलियन मैंने कौन ना एलियन मैंने अन्य ग्रह रे रहुथिबा जीव बेले बेले शुणा को मिले जे से आमर पृथ्वी को आसती बोल के शुणा को मिले ना ने तुम उड़ता थालिया कथा शुनी ना ने तो हुए तो इमित भी हो पारे जे से आम ठार बहुत उन्नत मध्य होते हैं किसी आश्चर्य हमारा ना बुझेगा ना तो अनेक गुड़ा जिनस एलियन मान संपर्क में बेले बेले शुणाक तो ये तो थला तुम प्रथम चैप्टर आमर पृथ्वी सौरजगतर लास्ट वीडियो जो थी आम विभिन्न महाजगत पिंड जेपर सूर्य चंद्र पृथ्वी समेत अन्य महाजगत पिंड मान संपर्क में आम
पढ़िले आम छायापथ मानक संपर्क आम पढ़िले तो से दृष्टि यह थला लास्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो रे आम आलोचना करवा तुम बही रे छाड़ी हो जाइथवा किछि बाक्स गुड़िक संपर्क जो थे कि आश्चर्यजनक तथ्य सब रही बहर प्रश्न एवं उत्तर आम पर्यायक्रमे आम आलोचना करवा तो वीडियो टू को आम शेष करवा। रहुछि धन्यवाद।